अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ, खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों का शोक शिकार भी अच्छा चल रहा होगा। तो हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। बस थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे वीडियो बना करें, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक ग्रुप में लाजमी इसको शेयर किया करें, ताकि और लोगों का भी प्यार मिले और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन जाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जो उस्ताद हैं उस्तादों के लिए वीडियोस नहीं होती ये वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं और वो अपनी तरह से सोचते हैं। तो बिगनर्स जो शौक़ शुरू कर रहे हैं, जो शौक़ में सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनको पहले नहीं पता होती। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार है। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है टॉप 10 रूस्टर्स ब्रीड जो गेम करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हर बंदे की राय, हर बंदे का समझ या हर बंदे का शौक अलग हो सकता है। जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा ही हो, दूसरे लोगों के लिए शायद ये चेंज हो। मैं अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फाइनल फैसला दे दिया। बहुत सारे लोगों का अपने अपने शौक के हिसाब से चेंज हो सकता है व्यू। तो मेरे हिसाब से ये टॉप 10 ब्रीड्स जो हैं, ये मुझे लगता है कि ये इस कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात करते हैं, मैंने 10 ब्रीड आपको बोला है, इसके अंदर वो भी हैं जो अभी गेम में इन नहीं है, और इसमें वो भी हैं जो अभी स्टिल गेम में इन है। तो इसके अंदर जो नंबर 10 पे मैंने कैटेगरी में जो नंबर 10 पे मैंने रखा है, उसको रखा है मॉडर्न गेम। एक मॉडर्न गेम है जो एडवांस चल रही है, इतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी ये गेम बर्ड्स हैं और इनको गेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अपनी प्योरिटी फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी मिक्सिंग है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है। कबूतर की शक्ल में नज़र आने वाले ये परिंदे अपनी तरफ से तो गेम बर्ड्स बने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे नज़दीक। ये सिवाय फैंसी के और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके अंदर और कोई ऐसी क्लास या और कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय खूबसूरत दिखने के, या अदरवाइज इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक यूनिक है। इसके अलावा इनमें कोई भी क्लास नहीं है, तो हम इसको 10वें नंबर पे रखते हैं। इसके बाद जो जिसका नंबर 9वें पे आता है, वो एक बहुत पुरानी ब्रीड है जिसको सुमात्रा बोलते थे, ठीक है। वो एक टाइम पे इनको एज अ गेम बर्ड इस्तेमाल किया जाता था एक वक्त में, और बेसिकली ये कहाँ से थी, एक इंडोनेशिया मुल्क है जिसका एक आइलैंड है, उसके वहाँ पर उसको सुमात्रा बोलते हैं, वहाँ से ये बर्ड की शुरुआत हुई थी। ये अपनी ओरिजिनल हालत में वहाँ थे, जिस तरह जंगल बर्ड हम बोलते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं कि सबके एंसेस्टर जो जंगल बर्ड हैं, अ काइंड ऑफ जंगल बर्ड ये सुमात्रा। और इसको बाद में जो है US वालों ने, यूरोप ने और दूसरे मुख्तलिफ जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हैं, उन्होंने इंपोर्ट किया इंडोनेशिया से कि इनको हम एज अ गेम बर्ड इस्तेमाल करेंगे। बट इनके अंदर वो क्लास, इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि ये गेम बर्ड के तौर पे दुनिया को या किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करें। तो ये फैंसी बर्ड के अंदर कैटेगरी में फॉल करने लग गए, और ये शोज़ वगैरह में अपनी खूबसूरत दुम की वजह से, अपने कलर की वजह से मशहूर हो गए, गेम से इनका भी खाता ख़त्म हो गया। इसके बाद जो 8वें नंबर पे आती है, जो मेरे हिसाब से वो गेम फाउल है। गेम फाउल के अंदर बहुत किस्में हैं, गेम फाउल के बर्ड बहुत ज़्यादा हैं, इनके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगती शक्लों एक जैसी हैं, लेकिन उन्होंने उन सबको अलग-अलग अलग-अलग नाम दिया हुआ है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कह लो, जिसके मियाँ वाली है, जिस तरह के सिंधी बर्ड्स हैं, इसी तरह से कोई किसी को जो बोलता है खुले कील के या बंद कील के, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान में अलग अलग जो है कैटेगरी है, ठीकर है, किल्ली ताज हैं, ये सारे हमारे यहाँ पर नाम लिए जाते हैं, लेकिन हैं सारे असील। इसी तरह गेम फाउल में भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं, जैसे उनके वहाँ पे रेडियो गेम फाउल है, हैच बहुत मशहूर है, उनके वहाँ पे हैच गेम फाउल बड़ा मशहूर माना जाता है उसको। इसके अलावा ग्रे गेम फाउल है, लेमन ग्रे फाउल है, गेम फाउल है। इनके अंदर क्या होता है, ये सारे एक जैसे हैं, आपने देखा होगा, अक्सर देखा है, उन्होंने हाथ पे ग्लव्स में नकली सा एक मुर्गा पकड़ा होता है और ये बड़ी स्पीड से उठ के ठक 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 पैर मारते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मुझे ये पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये छुरी कांटा लगाकर उनको गेम करवाते हैं, मौके का फैसला, गर्दने उतर गई, फलाना हो गया, मुझे ये बिल्कुल बेकार लगते हैं।
और मुझे इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लगती जिसकी जिसकी वजह से मैं समझूं कि ये इनका टॉप थ्री में होना ज़रूरी है। इसलिए इनका हाइप बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइप है इनकी, लेकिन मेरे हिसाब से ये पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और इसके बाद हम कैटेगरी को फॉलो करते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे आते हैं इंडो रूस्टर ब्रीड, जिसको सेकेंडली हम बोल सकते हैं ब्राज़ीलियन, उनको इंडो बोला जाता है। अक्सर लोग उनको इंडियन ब्रीड भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो इंडियन ब्रीड नहीं है, या इंडो ब्रीड उसका नाम है, असल में वो ब्राज़ील के अंदर होते हैं। ये बहुत बड़े कद के होते हैं, बहुत बड़े कद के होते हैं। इनका कद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेंथ में होता है, जिस तरह माले होते हैं उसी तरह ये ब्राज़ीलियन भी होते हैं। इनका कद भी बहुत ऊंचा होता है, और स्पीड में बाकी इसमें इतने ज़्यादा कारामद नहीं है। बहुत बड़े कद और बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से इनके अंदर गेम की वो क्वालिटीज़ नहीं है कि इनको मैं टॉप थ्री में लेके जाऊं। लेकिन खूबसूरती में कह लो या हाइट में कह लो, बहुत बड़े, इनसे ऊपर कोई नहीं है, इनसे बड़ी हाइट का मुर्गा नहीं है कोई भी। ये सबसे लंबी हाइट के होते हैं, ठीक है, और वज़न में भी बहुत होते हैं, और समवट मिलते जुलते हैं माले से, जो कि हमारी कैटेगरी में अगले नंबर पे फॉल करता है। छः नंबर पे मैंने माले को रखा। जो माले गेम फाउल है या माले जो माले ब्रीड है, ये भी बहुत बड़े कद के होते हैं, और इनका इनका भी जो पहचान है वो इनके कद वज़न से होता है। इनका वज़न और कद बहुत ऊंचा है और बहुत खूबसूरत है, इस वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं और रखना भी पसंद करते हैं। लेकिन गेम के एतबार से ये भी फेल है, मुझे ये भी कोई क्लास के कैटेगरी नहीं लगता, क्योंकि देखो खाली कद बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर स्किल्स की कमी है ना, तो उसको मतलब हम एज अ कंसीडर एज अ कंप्लीट पैकेज नहीं मानते, इसलिए इसको छठे नंबर पे रखा। माले जो माले हैं इनको, और ये जो मोस्टली हम कहते हैं ना कि इंडियन या पाकिस्तानी या बड़े सगीर, इनके ये सच्ची बात है कि इनके बाप दादा वही हैं। ये जितने बड़े कद के मुर्गे जिस तरह माले है या जिस तरह के आप ब्राज़ीलियन है, इनके भी कहीं ना कहीं समवट इनकी अगर आप देखें लड़ी देखें ना, तो उठ के बड़े सगीर में ही आती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़े कद के और सबसे ज़्यादा वैरायटी के असील दुनिया भर में इंपोर्ट हुए हैं, और उन्होंने अपने शौक के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया। तो कह सकते हैं कि माले और जो इंडो ब्रीड है ब्राज़ीलियन है, इनके एंसेस्टर भी हमारे बड़े सगीर के ही हैं, हमें इस बात का फ़ख्र है, ठीक है। अगली बारी आती है पाँचवें नंबर की। पाँचवें नंबर पे मैंने रखे हैं शामू को। शामू भी मुझे फैंसी बर्ड लगते हैं, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मैं इतना ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करता हूँ। दुनिया में होते होंगे शामू, बड़ी बड़ी गेम करते होंगे, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। शामूज जो हैं उनके अंदर बहुत सारी कस्में आती हैं, ओ शामू, को शामू, चू शामू, यकीडो, यमाटो, तूजो, बहुत सारी हैं। जो टूजो है वो शामू और इंडियन मिक्स हैं, इंडियन बर्ड्स या बड़े सगीर के बर्ड कह लो, उनका मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरह इनमें हाइट, शेप, पहचान, आंखों के ऊपर स्कार्स होते हैं, इनकी आंखों की जो शेप है ना वो इनको दूसरों से अलग करती है। इनकी बनावट खड़ी तख्ती, कंधे पीछे, इनको इस तरह से करते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे शामू के कंधे पीछे होते हैं, कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं भी इतने ज़्यादा होते, लेकिन शामूज जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर पाँचवें नंबर पर आता है। गेम के एतबार से ये भी हल्के ही मानता हूँ मैं, इनको अच्छा नहीं मानता, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं हिंट, जो कि टर्किश ब्रीड है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मुझे बहुत पसंद है। टर्किश के अंदर बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमी कहाँ से आती है, स्पीड। इनमें स्पीड उस हिसाब से नहीं आती जिस तरह के एक परफेक्शन में आती है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनका बॉडी शेप, इनके कील मारने की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, मतलब बाकी जितने भी आपको बताए हैं उनसे कैटेगरी में बहुत ऊपर है, और ये गेम स्टाइल भी अच्छा है। और इनके अंदर क्वालिटी क्या होती है, ये क्वालिटी के अंदर कील मारने में बहुत अच्छे हैं, कील बहुत अच्छे मारते हैं। नंबर थ्री, थाई ब्रीड, कहने को तो मैं इसको मॉडर्न में डाल सकता था, लेकिन मैंने इसको लहदा से ही रखा है, थाई ब्रीड। अब थाई के अंदर बहुत कैटेगरी है, बहुत सारे ट्राड हैं, इसके लिए फैंटम पर कई बोलते हैं, कई बैनथ बोलते हैं, उसके बाद इनके अंदर वो पकोए आ जाते हैं, कितने सारे हैं इनके पास, ठीक है। इसी तरह से मैं इनके साथ ही जो बर्मी असील हैं, बर्मी असील तो नहीं है, बर्मी जो ब्रीड है वो भी मैं इसके साथ ही रखता हूँ, थाई के साथ ही, तो ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं।
अब उस कैटेगरी में फॉल करने का मकसद ये है क्योंकि इनका गेम स्टाइल और ये सारा कुछ ओरिजिन वहाँ से ये। अब जो बर्मी है ना, बेसिकली वो जो एक वो क्या था यार उसके शहर का नाम जो बर्मी है, म्यांमार कुछ ऐसे करके नाम है, ये वहाँ की ओरिजिन है जो बर्मा बर्मा में था, ये इसका ओरिजिन बर्मा का वहाँ से है बेसिकली। और अब ये ज़्यादातर आप देखोगे तो बर्मा तो वैसे है नहीं, तो थाईलैंड के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा मांग है आजकल और दुनिया में भी इनको मांग रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं, तो इसको मैं तीसरी कैटेगरी में मानता हूँ। तीसरी कैटेगरी में इसलिए इनके पास स्टाइल बहुत अच्छा है, इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहाँ तक रही बात बुज़दिल हैं, एक आदि पढ़ने के बाद इनका जिगरा ख़त्म हो जाता है, इनको आर्जा आ जाए तो ये अपनी लड़ाई छोड़ जाते हैं, इनको ज़रा सी ज़्यादा तकलीफ मिल जाए तो ये अपना आप भूल जाते हैं, मतलब गेम ही छोड़ देते हैं अपनी, पुट्ठे सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। इसलिए इस कमी की बिना पर इनको तीसरे नंबर पर रखा गया, लेकिन स्किल्स के एतबार से वन ऑफ द बेस्ट, स्किल्स के हिसाब से टॉप मोस्ट है, स्किल्स बहुत हैं इनके पास। क्यों? देखो, जो डरता नहीं होगा ना वो छुपेगा नहीं, जो डरेगा वो छुपेगा, तो ये स्किल्स इनके डरने की वजह से हैं कि कोई मार ना पड़ जाए, कहीं ज़्यादा कुछ ना हो जाए, इस वजह से ये छुपते छुपाते हैं और इनके पास स्किल्स डेवलप हो गई। ठीक हो गया। नंबर दो पे वन ऑफ द फेवरेट्स मेरे, बहुत अच्छे मुझे पसंद है, वियतनाम असील, या आप इनको गनोई बोल सकते हो, इनको साइगोन बोल सकते हो, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। बहुत बहादुर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मजबूत, आरजे के अंदर आ जाए, सख्त आ भी जाए तब भी बहाल हो जाते हैं, हर लिहाज से क्वालिटी के अंदर बेस्ट। ज़रूरी नहीं है साइगोन, वियतनाम या जो गनोई है ये गंजे ही हों गर्दनों से और पट्टों से, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे परों वाले होते हैं, ये गंजे हो भी जाते हैं या गंजे किए भी जाते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ माई फेवरेट्स साइगोन, वियतनामी या गनोई, स्किल्स भी हैं, मजबूती भी है, हाइट भी है, स्पीड भी है, बर्दाश्त भी है और बहाल होने की कैपेसिटी भी है। ठीक हो गया। नंबर वन, जैसा कि सब लोग जानते हैं, एज यूजुअल माय फेवरेट्स असील। असील इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रीड जो कि असील, जो कि इनमें रूस्टर्स में या चिकन क्लास में पसंद की जाती है। बहुत क्लास, हर क्वालिटी आप कह लो, हर कैटेगरी कह लो, खुले कील, बंद कील, अपने कीलों पे करो, जो मर्जी करो, सबसे बेस्ट। अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे ना द मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड्स ऑफ चिकन, तो नंबर वन पे आपको असील ही मिलेंगे। ये गैरत के लिए, गैरत से जाने जाते हैं, ऐसे नहीं कहते हम किसी इंसान को भी मिसाल देनी हो तो हम उसको यही बोल रहे होते हैं कि ये बंदा असील नहीं है, बंदे में असालत नहीं है, मतलब गैरत नहीं है, ठीक है, मरने ही अपनी गैरत से जाते हैं, मर मिटने को। ये एक बनी बनाई एक आर्मी है जो कि क्लास की चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे क्या, दुनिया ने इनको माना है, दुनिया ने इनको नंबर वन बनाया है, हम कौन होते हैं नंबर वन बनाने वाले, लेकिन बेस्ट हर चीज़ है। चलाकी भी करते हैं, चलाकी से गेम करने वालों को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, मजबूती में बेस्ट है, आरजे की टेंशन नहीं लेते, मरते मरते भी अगले को जवाब दे देते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हाइट, वेट, क्लास, स्पेशलिटी, स्किल्स, हर एक चीज़ है इनके अंदर, एक कंप्लीट पैकेज। तो वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट असील। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी असील कोई बात कर रहा हूँ, असील का मतलब है जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं या दुनिया के किसी कोने में भी हैं जो असील स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट्स असील हमेशा से नंबर वन है और नंबर वन ही रहेगा। बाकी जितने भी ब्रीड हैं इनके, वो अपने अंदर मिक्सिंग करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए असील्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।